to watch this video in English, please click on the link above or check out the description box below. हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ फेशियल वीडियो जिसमें कि हम यूज़ करेंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि इजीली हमारे किचन में पाए जा सकते हैं। और इस फेशियल के लिए मैं यूज़ करूँगी पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल, पपाया जेल, किसी भी फ्रूट जेल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अब हम शुरू करते हैं फेशियल के साथ। यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी स्प्रे बॉटल लिया है जिसके अंदर मैंने 3-4 ड्रॉप एलोवेरा जेल का मिलाया है और 2 चम्मच रोज़ वाटर मिलाया है। आप सिंपल पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसको मैंने अपने चेहरे पर छिड़का है और कॉटन पैड की मदद से साफ किया है। फेशियल करने के पहले चेहरा साफ होना चाहिए है, मेकअप नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने 2-3 ड्रॉप एलोवेरा जेल लिए, ज़रा सा पानी लिया है, फिर मिक्स करके उसे फ्रीजर में रख दिया है। जब वह जम गया उसके बाद मैं इस बर्फ से अपने चेहरे की मसाज कर रही हूँ। इससे मुझे एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और बर्फ के भी, जिससे मेरी स्किन लंबे टाइम तक यंग, यूथफुल और रिंकल फ्री रहेगी। और फिर मैंने टॉवल से पोंछ लिया है। इसके बाद मैं एलोवेरा जेल को अपने हाथ पर ले रही हूँ और मेरे पास यहाँ पर कुछ पानी भी है जिसको मैं बीच बीच में यूज करूंगी। अब मैं एलोवेरा जेल से अच्छे से अपने फेस पर 5-10 मिनट तक मसाज करूंगी। बीच बीच में अपने हाथों पर पानी लगा रही हूँ जिससे कि मेरे हाथ जो है वो अच्छे से फिसले और मसाज जो है वो अच्छे से हो। ध्यान से, आराम से, अच्छे से अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स कीजिए और प्यार से मसाज करते रहिए। 5-10 मिनट सफिशिएंट रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दूध में 2-3 ड्रॉप्स एलोवेरा जेल के लिए हैं। आप चाहें तो एलोवेरा जेल में 2-3 ड्रॉप्स किसी भी नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम के यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अपने चेहरे पर अब 5 मिनट तक मसाज करूंगी। दूध स्किन लाइटनिंग एजेंट भी है और ये स्किन को एक बहुत अच्छा ग्लो देता है। ये डीपली मॉइस्चराइज करता है, लंबे समय तक स्किन को यूथफुल बनाए रखता है। चेहरे को पानी से धो लें। उसके बाद 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी का लीजिए, 2 ड्रॉप्स एलोवेरा जेल लीजिए, इनको मिलाकर अपने चेहरे पर लगाइए और फिर बीच बीच में पानी को हाथ पर लगा के आप इसको अच्छे से 5 मिनट तक मसाज कीजिए। कॉफ़ी से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। स्किन में जो भी डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करके ग्लोइंग और रेडियंट स्किन मिलेगा। इसके बाद आप पानी से अपने चेहरे को अच्छे से धो लीजिए और पोंछ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने ज़रा सी ब्राउन शुगर में 2-3 ड्रॉप्स नींबू के रस के मिलाकर एलोवेरा जेल की 2-3 ड्रॉप्स मिलाई हैं। फिर मैं इसको अपने चेहरे पर लगा रही हूँ। बीच बीच में पानी का प्रयोग करूँगी। 5-6 मिनट तक इसको मैं अपने चेहरे पर मसाज करूँगी और 3-4 मिनट के लिए मैं इसे चेहरे पर छोड़ दूँगी। उसके बाद चेहरे को पानी से धो लेना है। नींबू से पिगमेंटेशन दूर होगी, चीनी से भी दूर होगी, स्किन हमारी अच्छे से डीपली साफ हो जाएगी और सुंदर चेहरा निखर के बाहर आएगा। अब मैं 1 चम्मच बेसन में 3 ड्रॉप्स एलोवेरा जेल के मिला रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, चंदन, इन चावल का आटा, इनका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ बेसन का यूज़ किया है। इसमें एलोवेरा जेल मिला के थिक पेस्ट बना लिया है। इसको मैं चेहरे पर 2-3 मिनट के लिए मसाज करूँगी जिससे कि स्किन जो है अच्छे से अंदर तक साफ हो जाए। इसके बाद मैं 10-15 मिनट तक इसको चेहरे पर छोड़ दूंगी जब तक कि ये सूख के ऐसी परत ना बन जाए। बेसन को लंबे समय तक यूज़ करें तो हेयर रिमूवल का काम भी करता है, बहुत अच्छा ग्लो देता है। फिर इसको पानी से धो लें, फिर पोंछ लें। उसके बाद आप अपने फेशियल को एंड करने के लिए सेम स्प्रे का जो हमने शुरू में यूज़ किया था उसका यूज़ कर सकते हैं। फेशियल के एंड में आप फील करेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और नेचुरल ग्लो है, ड्यूई फिनिश है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को थम्स अप कीजिए अगर आपको पसंद आई है तो। और मैंने रिसेंटली येलो गोल्ड आईज और ग्लॉसी पिंक लिप्स वाला मेकअप ट्यूटोरियल बनाया था, उसको भी ज़रूर देखिए। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल सो मच। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।